Hey guys, welcome back to the another vlog. This time हम हैं घर पर, उठ चुके हैं और साथ ही साथ आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुबह उठते उठते हमने देखा कि हमारे बकरे कल सेल हो चुके हैं, तो आज जो सेल हुए थे वो बंदा हमारे रिलेटिव हैं और उन्हीं को हम आज उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग्स काफ़ी शानदार होने वाला है। तो मैं अब सीधा ब्रेकफास्ट करके सीधा हम जाएंगे बकरों के पास और बकरे नहलाकर तैयार कर दिए हैं एक मेहमान की तरह, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अपनी पाली हुई और मेहनत से पाली हुई और साथ ही साथ उनको प्यार जो दिया जाता है, एक से डेढ़ साल के अंतराल में या दो साल के अंतराल में जब बच्चे को तैयार किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। तो हमने उनको सुबह सुबह नहला दिया है, फ्रेश कर दिया है और साथ ही साथ अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ क्या होता है। तो गाइज, अपने बकरों को मैं ऐसा क्या खिलाता हूँ जो अच्छे प्राइस में ऊपर वाला उनको नवाजता है और काफ़ी अपनी मेहनत जो लगती है और जो उसमें लागत लगती है वो भी काफ़ी मिनिमम रेट में बकरे तैयार हो जाते हैं। तो आज फुल डिटेल में बताऊंगा बकरों को क्या खिलाता हूँ कम लागत में, क्योंकि पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी कि बकरों की डाइट, अपने बकरों को क्या खिलाता हूँ। तो बहुत से भाइयों को उसमें कमेंट ये था कि इस डाइट से तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी, तो आज मैं नॉर्मली डाइट आपको बताऊँगा जिससे कि बकरे आपके नॉर्मल फीड पे तैयार हो जाएं। तो चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ जहाँ पर बकरे बंधे हुए हैं और सीधा हम उनको ले जाएंगे छोड़ने के लिए। गाइस, यहाँ पर ये बकरी हमारी दाना खाकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, यहाँ पर जुगाली कर रही है और बच्चे को अपने फीडिंग करा चुकी है। दो बच्चे इसके ये हैं, एक बच्चा आसपास का नहीं छुप रहा होगा। अब ये दोनों बकरे नहलाने के बाद हम इनको ये देख सकते हैं दाना खा रहे हैं और दाने में भी नॉर्मल जो है जो फीड है छिलका है चने का और साथ ही साथ गेहूं है और जौ है। ये तीनों चीज़ मैं जनरली खिला रहा हूं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत से लोगों का कमेंट ये था कि इतनी ज़्यादा डाइट में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो ये नॉर्मली है। छिलका जो है 30 रुपये पर केजी पड़ता है, जो भी 30 के आसपास ही पड़ता है और समथिंग जो गेहूँ है वो तो घर का ही है। हालांकि दोनों चीज़ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बकरा खा चुका है समथिंग, दोनों को आधा केजी जो और समथिंग 250 ग्राम इनको, 250 ग्राम या आधा केजी इनको छिलका डाला जाता है और 250 ग्राम करीब समथिंग जो। तो इतने वेटेड बकरों की जो डाइट है समथिंग 500 से 700 ग्राम जो दाना होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा खा रहे हैं उससे भी। कोई भी इनको फीड सप्लीमेंट अभी फिलहाल नहीं दूँ, डिवॉर्मिंग चल रही है, डिवॉर्मिंग कर दी है इनकी, लेवर टॉनिक चल रहा है और एक टाइम मैं इनको कैल्शियम दे रहा हूँ। तो जनरली फीड है ये देख सकते हैं आप। तो गाइज, ये परचेज हो चुके हैं, तो परचेज की जो डिटेल है उसका प्राइस भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कितने में परचेज हुए हैं। और हर साल जितने भी बकरे मेरे बिकते हैं काफ़ी अच्छे रेटों में बिकते हैं, साथ ही साथ अच्छा पैसा भी बनता है और मेहनत भी लगती है इन चीज़ों को कवर करने के लिए। ये देख सकते हैं, और मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा कि फीड जो मैं खिलाता हूँ, ये मेरा स्टोर है, ये देख सकते हैं। सैम बकरी को भी वही दिया है, ये भी छिलका रह गया इसका, इसने दाना दाना सारा खा लिया है। छिलके से क्या होगा कि जानवर का पेट तो प्रॉपर भरेगा ही। ये देख सकते हैं गाइस, ये इसमें छिलका है जो इसको मैं आधा टिपन देता हूँ, आधा टिपन छिलका, साथ ही साथ जौ अच्छी क्वालिटी के मेरे पास जौ हैं और गेहूँ भी यहीं आसपास रखे हुए थे, गेहूं भी हैं गाइस, वो अभी फ़िलहाल शायद ख़त्म हो गए हैं या कहीं रख दिए हैं, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ मैं मिक्स करके इनको देता हूं जो कि कम कॉस्ट में मुझे आसानी से पड़ जाती है।
अगर आपके पास ज़्यादा एनिमल्स हैं, ज़्यादा गोट हैं, तो वहाँ पर छिलका का ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि उससे जानवर का पेट तो प्रॉपर भरेगा भरेगा, साथ ही साथ उसको दाना भी मिलेगा सब चीज़, और जानवर की भूख से निजात मिलेगी। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी फीड है जो मैंने मेंशन की है, और कोई मैं इनको कोई भी चीज़ नहीं देता हूँ साइड से। जो पिछले साल मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपने बकरों को चना खिलाता हूँ, चने की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। 80 से 90 kg प्योर चना मिल रहा है, जो कि अपनों के बस की बात नहीं है। ये देख सकते हैं, एक एक दाना ये बकरा खा लेगा। तो गाइस, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये, थोड़ा इसके मुकाबले हल्का है, लेकिन मेरा हर बकरा अगर कोई हल्का फुल्का रह जाता है तो सपोर्टिंग बेस पर आसानी से वो बिक जाता है। जैसे ये दोनों दोनों भाई भाई हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है और ये थोड़ा कम हेल्थी है, हालांकि वजन इसमें भी काफ़ी है। ये देख सकते हैं इसका पुट्ठा, और इसका भी गाइज आप देख सकते हैं हल्का फुल्का थोड़ा फ़र्क है। और हाइट की मैं बात करूं, आज तक मैंने इनकी हाइट नापी नहीं है, ना लेंथ नापी है, क्योंकि तो अपने को कोई ऐसा सेल परपेज करने का कोई मकसद नहीं होता। कुर्बानी के टाइम पर अगर रेट अच्छे लगते हैं तो ठीक होता है, एक आध सेल कर देता हूं, बाकी सब कुर्बानी करता हूं। लेकिन दोनों को रेट अच्छे लगे हैं मुझे, और जो हमारे भाई हैं वो ज़्यादा थोड़ा कहने लगे कि मुझे बकरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इनको मैं लेना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, दोनों भाई जुड़े जुड़े हैं, और इसी बकरी के ये बेटे हैं। ये हमारी जो बकरी है इसी के बेटे हैं, और इस बकरी की खास बात यह है कि लगभग 12 से 13 बकरे दे चुके हैं, और अब की बार जो ब्याई है इसने 2 फीमेल दी हैं और 1 मेल दिया है। वो मेल आप देख सकते हैं पानी पी रहा है, और एक मेल ये बैठी, फीमेल ये बैठी है, एक फीमेल ये रही गोल्डन कलर की। तो गाइस, आशा करता हूँ ये ब्लॉग्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल की। तो यहाँ पर जब मैंने नेगोशिएट किया था जो बकरों का प्राइस था, वो काफ़ी ऑनर कहने लगे क्या प्राइस है, हालांकि मैंने बताया नहीं था, लेकिन जब बात आ जाती है किसी चीज़ को सेल करने की तो हमें बताना पड़ता है। तो दोनों बकरे मैंने गाइस 80,000 रुपये के सेल कर दिए हैं। मैंने 90 मांगे थे, लेकिन धीरे धीरे वो 80 पर आके रुक गए, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है बच्चों से, तो फिर देखना भी पड़ता है, क्योंकि अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने 80,000 में सेल कर दिए हैं, अभी दाना खाकर तैयार हो चुके हैं, अब मैं इनको छोड़ने वाला हूं कार से, और आज चले आएंगे। अभी समथिंग 1.25 महीना है, अपने पास रहेंगे तो और ज़्यादा मोहब्बत होगी, तो मैं इनको छोड़ने जा रहा हूं आज, शायद वहां जाकर भी ये आगे सेल हो जाएं। तो गाइज़, ये लास्ट टाइम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो पर आप लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, और कमेंट में बताएँ क्या ये मेरी फीड सही है, क्या मैं ये सही देता हूँ कम कॉस्ट में। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देख सकते हैं, अब आगे की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा ले जाने से लेके आगे तक छोड़ने तक। तो गाइज, इसी के साथ लेते हैं अलविदा। बकरे हमने ड्रॉप आउट कर दिए हैं, और ये जहां हमें भेजने थे ये अपने इस स्थान पर आ चुके हैं। तो आशा करता हूं ये ब्लॉग्स और इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ये आप इससे संतुष्ट होंगे, और जो भी कोई आपका डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।